कोई कलाकारी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते ना, हाँ एकदम कुरकुरी हो गई पालक। अब इसकी हम स्टफिंग करने जा रहे हैं। इसको जो है आराम से जो है अब आई, इसका नाम है पालक कुरकुरी। अब हम आ गए हैं पालक कुरकुरी बनाने के लिए। ठीक, तो ये जो है ये पालक की, देखिए ये पालक, इसको शाम को जो है हींग के पानी में भिगा दो, सुबह भिगा सकते हो। ठीक, और उसके बाद कुछ भी नहीं करना, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कोई नुकसान नहीं है, चाहो तो 12 घंटे भी भिगा सकते हो। उसके अंदर ये दिया है बेसन, देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी सर पालक कुरकुरी कैसे होती है, तो मैं बताता हूँ कैसे होती कुरकुरी पालक। तो बहुत मेहनत लगती है। ये देखिए अभी तुम सब्जनी खोल चुके हो, पता है? नहीं पता। ये पालक बनाने की विधि, पालक कुरकुरी, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, नमक भी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अलवल डाल दो, हींग डाल दो, ये डाल दो, कुछ जरूरत नहीं है। अभी हम बताते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ बेसन फेंटो और पालक कुरकुरी बनाओ। बस देखिए इसके अंदर क्या होता है ना, ये रोड़ियाँ है ना, रोड़ियाँ, देखिए ये रोड़ियाँ नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर बॉल में घूरते ना बेसन को फेंटते तो फेंट नहीं पाते। इसे छोटी सी थाली ली, उसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे कि ज़्यादा बेसन पतला भी ना हो। हींग के पानी में पत्ता भिगा कर हींग डालने की जरूरत नहीं, बेसन की जरूरत नहीं। जब भिगाओगे ना तो पानी में हींग डाल दो, कोई जरूरत नहीं, वो सोख लेगा। तो देखिए आज सब छतर पतर हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसा बेसन होना चाहिए, देखिए कोई पतला नहीं है ना मोटा। ठीक, इसकी साड़ी जितनी है रोड़ियां ना सब चली गई। आजकल हम बहुत कम हाथ लगाते हैं बनाने में, लेकिन तुम आए गए तो जोश आ गया है। अब देखिए ये तेल गर्म हो गया हमारा, देखिए ठीक है, बढ़िया हो। ये देखो अब इस पत्ते को देखो, कुछ नहीं करना, यूं लिया कोई कलाकारी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते ना कि डिफरेंट है, ये है वो है, कोई जरूरत नहीं उसकी। ये दूसरा पत्ता लिया, बहुत ही गौर से देखना, बहुत लोग रेसिपी देख के भी नहीं बना पाते, नहीं देख पाते क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेते ना। आप कढ़ाई के पास मैदान में आओ, देखिए कोई कलाकारी नहीं है। लोग बोलते हैं देखो ये हो गया, इसको जो है आराम से जो है एक दो तीन ये देखिए ऑटोमेटिक और चार, इसके अंदर कोई कलर नहीं है, नमक नहीं है, अजवाइन नहीं है, हींग नहीं है, मेथी नहीं है, जीरा नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सादा है। अब हमें इसके ऊपर क्या क्या डालना है उसके बाद तुम लोग रखते हो, ऊपर से डालो स्वाद आएगा, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ भी डाल देंगे ना तो जो मसाले स्वाद है ना वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर पकावे ना तो पकेगी नहीं, कड़क नहीं हो पाएगी।
टूट जाएगा आराम से सुपर डाल लो लाल तुम बोलते तो कलर डाल लो है कलर डालने से क्या होगा कलर आ जाएगा क्यों है क्या मतलब कलर डाल बिना कलर के जब आ रहा है तो कलर डालने की क्या जरूरत है सब हाइजीनिक है बेहतरीन ये संदीप कल बोल रहा था अंकल थोड़ा कलर लगा दो तो हमने कहा कलर नहीं डालेंगे आज नेचुरल बनाएंगे चाहो तो डाल सकते हैं कुछ लोग हल्दी डाल देते हैं कुछ लोग कलर डाल देते हैं क्योंकि अपनी अपनी चॉइस है गैस थोड़ी और धीमी कर देते और पकने दो जितना ही धीमी आज पकाएंगे उतनी कड़क होगी पालक तो ये देखिए पालक कुरकुरी एकदम रेडी हो गई है एकदम कुरकुरी हाँ एकदम कुरकुरी हो गई पालक अब इसकी हम स्टफिंग करने जा रहे हैं इसके ऊपर क्या क्या पड़ता है और कौन कौन से मसाले पड़ते हैं तो ये पालक कुरकुरी की स्टफिंग करेंगे देखिए वन और दो पीस पालक इसके अंदर कोई नमक नहीं कोई अजवाइन नहीं है कोई हींग नहीं है सिर्फ सादा है अब इसके ऊपर देखिए हाँ नोट कर लो दो पालक पीस है बड़ी वाली पत्ते वाली इसके ऊपर हमने चाट मसाला डाल दिया है दरदरी धनिया डाल दिया है और कुटी मिर्च डाल दिया है ठीक है उसके ऊपर ये दही डाल दिया है उसके बाद ये मीठी चटनी इसका भी वीडियो मैंने दे दिया है ये देखिए ज्यादा नहीं क्योंकि दही मीठा रहता दो दो बूंद चुहा उसके ऊपर फिर से एक बार दरी धनिया डाल दिया है ये पालक कुरकुरी के ऊपर और ये हरी धनिया डाल दिया है कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए तो ये पालक कुरकुरी खाने के लिए रेडी हो गई पालक को हाथ से लो आवाज आई सही बताओ हमको आवाज सुनाई नहीं दी पालक कुरकुरी की इसका नाम है पालक कुरकुरी आवाज सुनाई नहीं दिया देखें अब आई इसका नाम ही पालक कुरकुरी मसाला कम ज्यादा हो सकता है जिसकी जो चॉइस है कहो तो पेन खाओ चाहे तो खट्टी से खा लो चाहे तो ऐसे खा लो जैसी जिसकी मर्जी हो ठीक है तो फाइनल रेडी तुम्हें संतुष्टि है कि नहीं है 100% एडमिशन लेना है तो सोच समझ के बहुत सोचना और मुझे कॉल कर लेना अगर तुम्हें हार्ड वर्किंग आती है और किचन में पसीने से लथपथ होना चाहते हो तो आना वरना मत आना क्लास का तो जल्दी से जल्दी आप चाहे तो मुझे संपर्क कर सकते हो सीख कर भी अपना अपने डाल सकते हो और हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हो